खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ऐसा है कि मैं अभी तो क्या कहूँ, मैंने जो आज ये नज़ारा और जो आज आर्मी वालों के जो चेहरे पे पुलिस वालों को जो मैंने, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा मेरे लिए ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मैं ये जो अवार्ड क्या रख रही हूँ, कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड, लेकिन लोगों के चेहरे पर जब ये लोग अवार्ड के लिए आ रहे थे और जब सब सारी चीज़, तब मैंने उस चेहरे को देख के मेरे रोंगटे खड़े हुए कि मैंने जो ये चीज़ें की शायद बहुत अच्छा हुआ है। और ऐसे ही अगर ये होगा, मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं ऐसे लोगों को फेलिसिटेट करती रहूँ जिन्होंने समाज के लिए इतनी अच्छी सेवा पहुँचाई है। कोरोना काल में भी उन्होंने जिन्होंने इतनी अच्छी लोगों की सेवा की है, चाहे धन से हो, मन से हो, जो भी है, उन्होंने कितने उन्हें राशन पहुँचाया, कितने उन्होंने ऑक्सीजन दिए है, या पुलिस वाले हुए, चाहे डॉक्टर भी जो भी हुए, मैं आज उनको थोड़ा सा जो मैंने आज उनका सम्मान किया, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को ये अभी क्या बोलूँ मैं आपसे। मैम, जिस तरीके से बॉर्डर पर सिपाही तैनात होते हैं, आज इसी तरीके के सिपाही को भी आप लोगों ने यहाँ पे सम्मान दिया, तो कितना अच्छा लगा आपको इस अवार्ड को देखते हुए? आज मैंने जब उन सिपाही को यहाँ पे देखा स्टेज पे, तो मुझे लगा कि आज मैं सच में आज कुछ तो मैंने अच्छा किया है। बस शायद किस तरीके का काम करती है और भी क्या? देखिए, जगत जननी का काम जो है ऐसा है कि लोगों की सेवा करना, किसी को दवाइयों का या स्कूल की फीस हुई या कुछ भी, जो भी ज़रूरतमंद तक पहुंचाने वाली चीज़ें हो गई या किसी के कोई पीड़ा हो गई, किसी के घर की कुछ प्रॉब्लम, हम सारी वो चीज़ों को करके। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान आए, जो लोग आए, उनका किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? मैं सबका यहाँ पे जितने आए हुए हमारे जितने भी गेस्ट थे, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे आर्मी वाले, प्रेस वाले या जितने मेरे सपोर्टर थे, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इन्होंने मुझे इस आज इस कर्मवीर अचीवमेंट में मेरा सपोर्ट किया, मेरे सपोर्टेड, मेरे मीडिया पार्टनर्स और मेरे जो भी है दोस्त यार, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे ख्याल से कर्मवीर अवार्ड जो है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये अगर पुलिस मैन के लिए है तो ये आर्मी मैन के लिए भी है, और ये उन सभी के लिए है जिन्होंने, जो कि कर्म वीर हैं, जो कि अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी सोच पे, अपने अपने मोर्चे पे, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे कैसा भी टाइम हो, वो उस मोर्चे पे लड़े हैं और जीते हैं, क्योंकि मानवता को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्साह की ज़रूरत है।
और उत्साह तभी मिलेगा जब उनके काम की तारीफ होगी। हमारे एक प्ले में लाइन थी, बड़ी शानदार लाइन थी कि अच्छे काम की फौरन से पेशतर तारीफ कर देनी चाहिए, नहीं तो सामने वाला ज़्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक दूसरे के अच्छे पॉइंट्स, अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए, दिल से जेन्युइनली करनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके और अच्छा काम करे और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर सके, तभी ये दुनिया चलेगी। नहीं तो टनों के हिसाब से हर देश में, हर शहर में, हर मुल्क में लोग ये कोविड के वजह से गर्क हुए हैं, ख़त्म हुए हैं। अभी ये अगर ये चीज़ ख़त्म हो रही है, अगर दूसरी आफत आ रही है तो उसका भी मुकाबला करना चाहिए हमको, और दिल खोल के मुकाबला करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही टाइम आता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, जो टूटा हुआ है उसको अपनी वाणी से, अपने शब्दों से जोड़िए, ताकि वो आगे जाके एक लाइन, एक लकीर बनती रहे और वो आगे जाके दूसरे को जो टूटा हुआ है उसको जोड़े। ये सिलसिला लगातार चलते रहना चाहिए और ये करमवीर जो ये अवार्ड्स हैं ये उनमें से एक कड़ी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शैलेश पटेल जिन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया और ये अवार्ड में उनका भी एक क्रेडिट है। और हमारा पुष्कर जो दुनिया में एक ही पुष्कर है और किसी को नहीं पता कि एक पुष्कर हमारा यहाँ पे भी है, तो टोटल दो पुष्कर हो गए हमारे पास, एक शैलेश और एक हमारा पुष्कर। सो वी आर हेयर टुगेदर। और ख़ास बात ये है शैलेश की और पुष्कर की कि ये किसी पे लादते नहीं हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक ईज़ के साथ में, एक प्यार के साथ में काम करते हैं और फिर दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज़ द ब्यूटी। एंड आई थिंक जो आयोजक हैं मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, और यहाँ पे कर्न साहब का उन्होंने इस्तकबाल किया है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये हमारे हीरोज़ हैं। जो पुलिसमैन है, मुझे याद है 26/11 का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो पिछली गवर्नमेंट थी आप ये देखिए उनमें पॉलिटिकल विल नहीं थी। अभी तो 26/11 का बदला हमारे दिल पे लिखा हुआ है और ये प्रेजेंट रिजीम बहुत अच्छा रिजीम है, 2.5 साल इनका बाकी पड़ा हुआ है। अभी देखिए 2.5 साल में क्या क्या होता है, हमारी काफ़ी ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको भी लेना है, 26/11 का जो बदला है वो भी हमको लेना है, तो ये सिलसिला हिंदुस्तान तो छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए आज का अवार्ड जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है और ये बहुत आगे जाए, मेरी दिल से ख्वाहिश है और मेरी गुड विशेज़ हैं इनके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कि आप लोग सब आए हो, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पहले तो सब बहुत बहुत बढ़िया था, हमारी मेहनत रंग लाई है, जिस कोर्स के लिए हम लोग ने ये अवार्ड स्टार्ट किया था, जैसे कि करमवीर अवार्ड जो है अचीवमेंट अवार्ड एक हम लोग ने एक थीम सोचा था, हमने ये नहीं सोचा था कि इतना सक्सेस होगा। और सबसे बढ़िया बात वो हुई है कि हमारे जो वीर है, जो हमारे फौजी भाई है, उनकी फैमिली और हमारे कार्यकर्ता है, वो सब आए थे और उनके वजह से ये शो हमारा जो है बहुत सक्सेस हुआ। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए, आप सबके कॉपरेट के लिए, थैंक यू, थैंक यू जी। नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुटे है। जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित करमवीर अवार्ड्स, अचीवमेंट अवार्ड्स 2021 जो ये हुआ, ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हुआ। बड़े बड़े दिग्गज लोग, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, बिजनेसमैन लोग यहाँ पे, जिन्होंने अच्छा कार्य समाज के लिए किया है, उनको आज अवार्ड दिया गया। और बहुत अच्छी बात है कि जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा ऐसे इवेंट्स और होते रहे और ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन मिलते रहे, एक इंस्पिरेशन मिलते रहे, जिसके वजह से वो और ऐसे कुछ अच्छे अच्छे काम करते रहे समाज के लिए। ऐसे बहुत कम मिला है कि लोकल एनजीओ में एक आर्मी डिफेंस वालों को बुला के अवार्ड दिया जाता है, कितना प्राउड इस चीज को लेकर। रियल हीरो तो वही है, असली हीरो जो है डिफेंस वाले। यस, राइट 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 राइट। कितना प्राउड आप इस चीज को करने के।
आज बुलाया है आपके अवार्ड में? हमको काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पे जो सर नेवल ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, कॉलोनल आए थे, तो यस वन ऑफ देम इज़ शी इज़ हियर, तो इन लोगों ने जो कार्य किया है तो उनके लिए एक सैल्यूट जगत जननी की तरफ से, और हम सब तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सारी संस्थाएं हैं जो एज अ संस्था बहुत ग्रो करती है, बट वो संस्था अगर एज अ सोशल कॉज लोगों की ग्रोथ को अगर इस तरीके से ओपन में पब्लिक के सामने लेके आए, उनका काम जैसे डिफेंस वाले हों या पुलिस वाले हों या हॉस्पिटल्स वाले हों या फिर छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो उनको अगर हम प्रोत्साहित करें तो हमारे नॉर्मल पब्लिक में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली ये सब चीज़ें बाय चॉइस करना चाहेंगे, और यही जो है इस संस्था के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप जो छोटा भी अगर काम करते हैं तो वो काम भी जो है इतना बड़ा हो सकता है कि एक्चुअली लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाह सूर्यवंशी, आई एम सोशल वर्कर एंड एक्ट्रेस। जो करमवीर अचीवमेंट अवार्ड है, आई एम सपोर्टर, गीता जी को सपोर्ट किया है इस अवार्ड के लिए, और जो 26/11 हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद कोविड के टाइम पे जो आम जनता पब्लिक आके लोगों की आगे आके मदद की है, तो ये अवार्ड हमने उनसे रिलेटेड रखा था। आपने देखा ही होगा कि बॉर्डर पे जब पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे मेरे ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे जिया जी भी उस लड़ाई में थे, और हम बहुत डरे हुए थे इस चीज़ के लेके कि कहीं ना कहीं एक दिल में डर होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं डर है इस चीज़ का कि उन्हें खो ना दें हम। और 26/11 में तो आपने देखा ही होगा ये सारी चीज़ें हुई है, और कोविड के टाइम पर तो हमें एक्चुअली जब कोरोना ने एक लाइफ जीना सिखा दिया, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर जो नहीं था वो आ गया, और एक्चुअल में जो हम हमारी रेगुलर लाइफ भागम भाग लाइफ थी, तो हमने एक लिमिटेड लाइफ जीना सीख लिया है कि जो कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छा नेचर है, अच्छा बिहेवियर है, अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहते, तो जो हमारी आम जनता पब्लिक आकर आगे आके लोगों को सपोर्ट किया है, कोऑपरेट किया है, तो ये उसके ऊपर हमने ये अवार्ड रखा है, करमवीर अचीवमेंट अवार्ड। और नेक्स्ट भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं, और जिस आपको गीता जी भी बताएंगे, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहिए, प्यार देती रहिए, और ऐसे ही हम बैक टू बैक फंक्शन लेके आते रहेंगे। सीधा आवाज आएगी। अच्छा, मेरा नाम कर्नल जमीर खान है, मैं इंडियन आर्मी से हूँ एज यू नो, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन मुझे सम्मानित किया गया, और मैं उन सभी कर्मवीरों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं उनके साथ अपना उनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जो पहल जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट ने शुरू की है वो एक बहुत ही बेहतरीन पहल है, और इसी तरह से हम कर्मवीरों का सम्मान करते रहें। मुझे खुशी है कि लोगों को फौज के बारे में बहुत ज्ञान है, जो सराहनीय कार्य फौज कर रही है उसके बारे में लोगों को पता है, और वो दिल से फौज को प्रेम करते हैं। प्लेटफॉर्म पे इस जरिए लेके आना कितना अच्छा है आप लोगों के लिए, हमेशा खतरों में खेलते हैं, देखिए किसी भी चीज को जब सम्मानित किया जाता है, किसी भी कार्य को, एक इंसान होने के तौर पर इंसानी फितरत है कि बहुत खुशी मिलती है, और एक फौजी को जब इतने लोगों के बीच बुलाकर सम्मानित किया जाता है तो बेहतरीन, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी है।
मैम आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत गर्व महसूस होता है, गर्व इसलिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं और हमारा काम रिकॉग्नाइज हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है बाहर आकर। तो हमारा नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर परिन सोमानी, आई एम एन इंडिपेंडेंट एकेडमिक स्कॉलर, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, टेडेक स्पीकर, एंड टुडे आई एम इनवाइटेड इन द करमवीर अचीवमेंट अवार्ड्स बाय गीता यादव जी। आई एम वेरी प्रिविलेज एंड ऑनर्ड टू बी हियर। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से बिकॉज दिस गेटिंग माय करमवीर अवार्ड, it gives you a little weight on your shoulder that you have more responsibility to help the society. I am a philanthropist and I'm a humanitarian, however by getting this award I think my responsibility has been increased. But thank you so much for having me here. Namaste and have a lovely afternoon. Thank you. Parin ji agar baat kare to kal Maharashtra ke governor ne bhi aapko felicitate kiya, kya kuch kehna chahenge, wo moment kya tha? कल की मोमेंट हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इट वॉज आई वॉज इमोशनल इन द बिगिनिंग व्हेन आई सैट देयर, आई वॉज फीलिंग बिकॉज राजपाल भगत सिंह जी को, घोशियारी जी के साथ हमको जो बैठने का मौका मिला है वो इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं कभी ऐसा सोची भी नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं था, इट वॉज हैपन सो इंस्टेंट एंड सो क्विकली, बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैव ऑलरेडी बीन सीटिंग विद ऑल द लीडर्स इन द डिफरेंट कंट्रीज बट नॉट इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र इज माई आमची मुंबई बिकॉज आई एम महाराष्ट्र एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम बोर्न इन मुंबई एंड आई लव माई इंडिया, आई लव माई मुंबई। सो आई थिंक इट वॉज अनोखी एक्सपीरियंस। आई हैव नॉट एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू रियाज खान, शैलेश जी एंड ऑल द मीडिया पीपल एंड ऑल द पीपल हु हैव कम देयर। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एस्पेशली ऑन द डे यस्टरडे वी वेर फेलिसिटेटिंग द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड, दे हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज, दैट वॉज फॉर द सोल्जर सेक्रीफाइसिंग। सो इट वॉज अ कालगिरी अवॉर्ड एंड fortunately I'm very blessed, I'm writing a book on the Kalgir. So it when I was invited for the award ceremony to be there, it was my privilege there even that I'm a writer, author for writing the Kalgir book, and I was present in front of them. So I think it was a wonderful experience. But thank you so much once again for having me here today as well, and thank you Shailesh ji, Sheila ji and each and everybody who are part of this team and invited me. Thank you. कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड जो कि गीता यादव जी कर रहे हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मित्र है मेरी, और उन्होंने जो ये टॉपिक लिया और उनका जो ट्रस्ट का नाम है जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट, तो उससे ही प्रभावित होते हुए भी इन्होंने जो ये महीना चल रहा है अपना, ये जो मंथ है ये हमारे शहीदों के नाम का मंथ है जैसा कि आप सब जानते हैं, तो उसमें अगर उन्होंने ये अवार्ड निकाला है तो इसके लिए हमारे जो शहीद, जैसे कल भी हम लोग एक कारगिल के ऊपर एक अवार्ड शो में गए थे शहीद आज़म, वैसा ही ये कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड है जो हमारे शहीद लोगों के जो फैमिली के लिए, जो उन को याद करके हम किसी को देते हैं, जो लोग हमारे देश के लिए कुछ काम करते हैं या जिन्होंने कोविड में कुछ लोगों की हेल्प करी है, लोगों के लिए कोविड में बहुत सारे लोगों को, तो वो भी एक तरीके के कर्मवीर माने जाएंगे, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं था तो उन लोगों की हेल्प करी राशन दे के, या किसी को आज भी हम लोग करें जैसे किसी बच्चों की फ़ीस भरना है या किसी के लिए कुछ करना है, तो वो भी एक कर्मवीर योद्धा ही होते हैं, जैसे हमारे फौजी भाई सैनिक भाई होते हैं वैसे ही आज के देश के जो आम पब्लिक जो लोगों की हेल्प करते हैं वो भी एक कर्मवीर ही होते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वाकई आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ऐसे मैं खूब सारे अवार्ड फंक्शन अटेंड कर चुका हूँ अब तक, लेकिन ऐसा इस तरह का और खासकर आर्मी बैकड्रॉप का पहली बार मैंने अवार्ड फंक्शन ऐसे अटेंड किया है, और वाकई सीना गर्वित हो जाता है ऐसे अवार्ड फंक्शन में आकर के, और मैं कभी ऐसे आर्मी इतने हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में कभी नहीं रहा, मतलब बहुत सच में ऐसा लगता कि जो हमें, जिसकी वजह से हम हैं आज वो हमारे सामने हैं, तो ये चीज़ मुझे अपने आप में वाकई बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अवार्ड पाकर तो अच्छा ही लगता है बिल्कुल, और आज भी अच्छा लगा, आज इनको भी मिला इससे और ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मिस्टर शैलेश पटेल जी का और मुंबई रफ्तार का, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों से मुतासिर हो चुका हूँ और रूबरू बातें कर रहा हूँ। बाकी बस।
हाँ, कभी भी कोई सम्मान मिलता है, खासकर अगर पत्रकार को यह मौका मिलता है, तो लगता है कि वाकई हमने जो कुछ भी किया है उसको कोई ना कोई देख रहा है। इसलिए हम सबों की जिम्मेदारी होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ऐसा कर्म करें कि आपको लोग वीर की उपाधि दें, और ये असंभव नहीं है। एक पत्रकार अगर कर्मवीर जैसे अवार्ड से सम्मानित होता है तो निश्चित रूप से ये हमारे संस्थान के लिए, हमारी जमात के लिए, हमारे मीडिया के सारे लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय होना चाहिए। जब भी कोई मीडिया से संबंधित अधिकारी या कोई इंसान सम्मानित होता है तो लगता है कि वाकई हमारे बीच का इंसान जब भी सम्मानित होता है तो एक हौसला बढ़ता है। और यही कारण है कि लगातार हम लोगों ने ये कोशिश की है कि काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये तो ऊपर वाला देखता है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, कोई सटीक काम करते हैं, तब कोई ना कोई आपकी सुध ज़रूर लेता है। इस अवार्ड को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अपनी टीम के साथ साथ अपने यहाँ के जो भी आयोजक हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सबको। एक्चुअली आप लोग जानते हो गीता दी, ये प्रोग्राम के बारे में जो सोचा है, एक्चुअली सबको सोचना चाहिए। थैंक यू करम अवार्ड जो मुझे सम्मानित किए हैं, मैं दिल से दुआ करती हूँ जो सबको ऐसा इज्जत मिलना चाहिए। मैं दिल से दुआ करती हूँ गीता दी और करम अवार्ड जो मेन है, मैं सबको दिल से दुआ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा एक नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा इज्जत दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नायब सिंह, नायब सिंह एक्टर, और आज ये अवार्ड मिला आप लोगों को, किस तरीके से खुशी मिल गई या क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? हमें जो कर्मवीर अवार्ड मिला है, हमें ये अवार्ड पाकर बेहद खुशी हुई, और जब भी ऐसे सम्मान हम सबको मिलता है, डिजर्विंग रिस्पेक्ट मिलती है, हम सबको बेहद अच्छा लगता है। और मीडिया, मैं बलजीत विर्क और नायब सिंह जी आप सबको बहुत प्यार करते हैं, और मीडिया तो सच बोलता है, और ये अवार्ड मीडिया में फैजल जी ने हमें दिलवाया है, तो इट मीन्स के मीडिया हमारे टैलेंट को बहुत पसंद कर रहा है, हम दोनों को बहुत पसंद कर रहा है। सो मीडिया लव यू सो मच, बलजीत विर की तरफ से और नायब सिंह जी की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीमा यादव को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जगत जननी अवार्ड, ये सोशल वर्क को फेलिसिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, एंड मैं ये अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, और मैं जेन्युइनली तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जगत जननी समिति का, यहाँ पर बुला के सब उन ऐसे कर्मवीरों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने साथ बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिनी बंसल, और मैं फिल्म इंडस्ट्री में बतौर अभिनेत्री काम कर रही हूँ। मैं प्रोग्रेस, मतलब मैं एक ग्रोइंग अपने आप को मानती हूँ, तो आई एम अ ग्रोइंग एक्ट्रेस जी। अवार्ड मिला है आपको? देखिए अवार्ड मिला है उसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होते हैं जब मुझे अवार्ड मिलता है, और आज का जो अवार्ड है बहुत स्पेशल है, जगत जननी मानव ट्रस्ट की तरफ से मुझे एक कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो मैं तो सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ गीता जी का, यास्मीन जी का, और प्रवीण जी का, और एंटायर सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। अवार्ड है और अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं शुक्रगुजार हूँ जगत जननी मानव सेवा कर्मवीर अवार्ड्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना प्यार दिया, इज्जत दी, अवार्ड दिया। सर अवार्ड तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें लोग मिलते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी हमारे लिए एक अवार्ड है, वो एकदम सच्चा अवार्ड है, लाइव अवार्ड।
सम्मान है क्योंकि जो अचीवर्स हैं सबसे पहले उनकी वजह से ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है, उसमें मुझे भी गेस्ट ऑफ ऑनर ये प्यारा सा अवार्ड दिया है, तो मैं मानव सेवा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे अज़हर हुसैन जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं अज़हर हुसैन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट ऐसे ही लोगों को अप्रिशिएट करता रहे, उन्हें सम्मानित करता रहे, क्योंकि सम्मान एक ऐसी सीढ़ी है जिससे एक नए भारत की तस्वीर बनेगी। थैंक यू। नीरज तिवारी, हाँ, ये गीता जी ने जो इतना बढ़िया करमवीर अचीवमेंट अवार्ड आज, ये चूँकि फिल्मी गाने का, डांसिंग का तो सब हर कोई करता रहता अवार्ड शो, बट ये जो हमारे देश के शहीदों के नाम पे करमवीर अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने किया है, सो इट्स टू गुड, बहुत अच्छा लगा। और ये अवार्ड हमको दिया गया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ आए और बहुत ही सक्सेसफुल अवार्ड रहा, और अगले शो की तैयारी हो रही है, इससे भी भव्य लेवल पे करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरी एक ही गुजारिश है कि अक्सर हमें हमारे वीर पुत्रों के बारे में तभी पता चलता है जब वो तिरंगा में लिपटे हमारे पास आते हैं। आज के इस प्रोग्राम से मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बिकॉज ये अवार्ड तब रिकॉग्निशन मिला है, ये सम्मान तब मिला है जब ये जान हाजिर है, ना कि जान जाने के बाद वो मान मिला है। तो ये एक हमारे लिए ना केवल अवार्ड है, ये हमारे लिए एक हौसला है कि हम इस धरती के लिए, हम अपनी मातृभूमि के लिए जान भी लुटा सकते हैं। थैंक यू। आज करमवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले आप मीडिया के तमाम बंधुओं को नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आज बहुत खुशी हुआ कि मैं अब तक जहाँ भी सम्मानित हुआ हूँ ऐसे ही सम्मानित हुआ हूँ, क्योंकि ये किसी फिल्म का अवार्ड नहीं है और ये हमारे काम का अवार्ड है जो हम आज तक करते आए हुए हैं, जो हम समाज सेवा करते हैं, जो हम सोशल वर्क करते हैं, उसके हिसाब से मुझे आज सम्मानित किया गया है। इसके लिए हम अपने दर्शकों को स्पष्ट बता दें कि ये हमारा किसी फिल्म का अवार्ड नहीं है, ये हमारा हमारे कर्म का अवार्ड है जिसका नाम है, आप सब अच्छे से जानते हैं और आज जितने भी कलाकार हैं सब इसका नाम लिए होंगे, और ये जगत जननी ट्रस्ट की तरफ से हमें सम्मानित किया गया है करमवीर अवार्ड से। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है और गीता यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बाकी अगर हम कहें जवानों से लेकर हर कोई यहाँ पर मौजूद था, ऐसे में इस तरीके के अवार्ड मिलना किस तरीके से आपको अनुभव देता है? बहुत ब्लेसफुल लग रहा है, कभी सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के बीच में हम लोग को भी साथ में अवार्ड मिलेगा। जो कर्नल साहब थे, जो बड़े बड़े इंडियन आर्मीज के लिए ये जो था गवर्नर, डॉक्टर्स जिसके लिए भी था, उनके साथ ये अवार्ड लेना वो भी तिरंगे के पीछे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। मतलब समझ लीजिए कि हमारे लिए आज ये, हम लोग को ये लग रहा है कि ऑलमाइटी ने हमको सब ब्लेसिंग्स दे दिया आज। तो थैंक्स टू यादव जी, यादव मैम है, डॉक्टर यास्मीन है, और ये जो जन सेवा कलनी है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रमंद है कि उन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, और आगे उम्मीद करते कि और भी ऐसे ही अवार्ड ऑर्गेनाइज करेंगे और हम उसके हिस्से बनते रहेंगे। पॉल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर एक साथ में इस तरीके के अवार्ड मिलना कितना अलग अनुभव लगता है? सो हेलो एवरीबॉडी, इट्स लाफी पॉल हियर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, बिकॉज यू नो लाइक वी गो टू शोज एंड अवार्ड शोज एंड लाइक यू नो डेली बेसिस, बट यहाँ पे आर्मी को सम्मानित किया जा रहा है, अपने मिलिट्री फोर्स को सम्मानित किया जा रहा है, हमारे जवान, हमारे शहीदों के लिए, यू नो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज जो चीज़ मतलब हर कोई नहीं करता वो ये कर रहे हैं, एंड मी एज एन एक्टर आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड आई हैव मच एंड मच लव फॉर दी पीपल हु आर स्टैंडिंग फॉर अस इन दी बाउंड्री। सो बहुत बड़ी बात है, और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट, यू नो दी एनर्जी, दी लव इट ऑटोमेटिकली कम्स, एंड जगत जननी जो है ट्रस्ट, इट आई वुड रियली लव टू थैंक देम, बिकॉज थैंक इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे इन्वाइट किया, बट थैंक इसीलिए बिकॉज उन्होंने आर्मी के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू जय जी, थैंक यू, वेरी बिग यू नो फेमस फैशन डिज़ाइनर, एंड ऑल दी मीडियाज एंड ऑल, यू नो लव यू ऑल, आप लोग सब साथ में रहते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, एंड इट्स वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एंड आई एम ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड। Thank you so much, everybody. Love you all. Thank you. And one more message I would like to give from both of us, that wish you a very happy new year. अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इस अवार्ड को लेकर किस तरीके से अलग भाव है, क्योंकि यहाँ पर खासकर
जो नाम दिया गया करमवीर उस पर ही आधारित एक अवार्ड दिया गया था, क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जगत जननी मानव ट्रस्ट के फाउंडर गीता यादव जी का और जगत जननी मानव ट्रस्ट को। करमवीर अवार्ड जो नाम है ये उनके लिए है जो अपने कर्मों से बने हैं, वो कर्मवीर जिन्होंने अपने कर्मों से समाज में एक संदेश दिया है। मुझे ये जो सम्मान है वो इसलिए मिला है कि मैंने जो स्ट्रगल किया है अपने करियर के दौरान, उस स्ट्रगल करके जो सफ़र मैंने तय किया है उसके लिए, और लॉकडाउन के दौरान मैंने जो मदद की थी, मैं नहीं कहना चाहता कि मैंने मदद की थी, बस मैंने जो अपना कर्म किया था, जो जिसके लिए मैं भगवान ने जो दिया है मुझे, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी लोग बहुत मुसीबत में थे, काफ़ी डेथ हुई हैं, काफ़ी लोग इतने परेशान थे, इतने लोग पैदल गए थे, जो मुझसे हो सका, जो मैंने कमाया है, जो मेरे पास है उसमें से मैंने कुछ किया है, और मैं भगवान से हमेशा दुआ करता हूँ कि मुझे दे ताकि मैं इसी तरह लोगों की मदद करता रहूँ। और जिस तरह मेरे संघर्ष को इन्होंने एक सम्मान देकर एक रिस्पेक्ट रखी है मेरे लिए, कि एक एक्टर जो एक छोटे से शहर से एक सपना देकर मुंबई शहर में आता है कि मुझे एक्टर बनना, और इस दौरान जो संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए वो मुझे कर्मवीर अवार्ड दिया गया, तो ये उन नए एक्टरों के लिए एक भाव है, दर्शाता है कि आप मेहनत करिए, एक ना एक दिन आपको फल मिलेगा। सर, बाबू का टेलर आया है, हर एक किरदार को लोग पसंद कर रहे हैं, इतना मार्मिक जो है दर्शाया गया, पिताजी का और बेटी का प्रेम दर्शाया गया है, और हर जगह से वाहवाही लूटी जा रही है, वाहवाही लोग कर रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे सर? देखिए, बाबुल हम लोगों ने जो फिल्म बनाई थी या हमने कोशिश जो की थी, ये वाहवाही लूटने के लिए नहीं की थी, हमने ये इसलिए बनाई थी कि हम एक भोजपुरी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे थे जो हम करना चाह रहे थे। मेरा उसमें बहुत योगदान तो नहीं है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि ये फिल्म का जो सपना अवधेश जी ने देखा था, अवधेश मिश्रा जी ने देखा था, वो सपना इसको पंख दिया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के ऑनर रत्नाकर जी ने, बिना उनके पंख दिए ये शायद संभव नहीं था। और अप्रैल के महीने में प्रतापगढ़ में हमने शूट किया था, काफ़ी गर्मी थी वहाँ पे, और जिस तरह से पूरी टीम का डेडिकेशन था कि ये फिल्म बहुत प्यारी बन रही है, अपना 100% देना है, तो उसके लिए जो भी इस फिल्म का किरदार थे सब ने अपना 100% से ज़्यादा दिया था, कि यार ये फिल्म इतनी प्यारी बन रही थी कि हम लोग सेट पर इतने इमोशनल हो जाते थे, यार कोई मेकअप वेकअप नहीं करता था कि यार ये अच्छा शूट हो रहा है, इसमें ऐसे दिमाग लगाने करना, और अवधेश जी जो करना चाह रहे थे उन्होंने करके दिखाया। एक बाबुल का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो जिस हिसाब से जो लोगों के फीडबैक आए हैं, जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, वो पढ़ के दिल खुश होता है, आँखों में पानी आता है, कि अगर कोई भी मेहनत सही राह में सही दिशा में की जाए तो सफल ज़रूर होता है। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अवधेश मिश्रा जी का, जिनकी वजह से ये हम सब सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, और रत्नाकर जी का, अगर वो नहीं होते तो शायद ये फिल्म नहीं बनती। तो प्लीज़ आप सब बाबुल का ट्रेलर देखिए और अपना फीडबैक दीजिए, और बहुत जल्द ये फिल्म 24 दिसंबर को या 31 दिसंबर को रिलीज़ होगी, तो जहाँ भी जाएँ अपने पास वालों के ट्रेलर ज़रूर दिखाएँ। बहुत ही उम्दा फिल्म बनी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है, मैं ये नहीं कहता कि फिल्म इतिहास लिखेगी, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि फिल्म आपको झंझोर देगी, आपको प्राउड होगा कि ऐसी फिल्म बनी। सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, अगर आज दसों को आप बताए, एक टीवी सीरियल आप जो कर रहे हैं, आपका किस तरह किरदार है और कौन सा सीरियल? मैं जो शो कर रहा हूँ उसका नाम है अगर तुम ना होते, जी टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है 10:30 बजे से मंडे टू फ्राइडे, और उसमें मेरा दिनकर का कैरेक्टर है। मेरा किरदार जो है वो बिल्कुल कटप्पा मामा से रिलेटेड है, बाहुबली में जैसे कटप्पा मामा किरदार था वैसे मेरा भी किरदार है, जहाँ पे हीरो जो है वो खुद मुझे कटप्पा मामा ही बोलता है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी होती है, मैं अपनी जीजा जी के लिए और अपनी बहन के लिए बहुत समर्पित हूँ, और मैं अपने परिवार को छोड़कर मैं जीजा जी और अपने भांजे के लिए, अपनी बहन के लिए, उनके लिए ज़्यादा सोचता हूँ। और उसमें मेरा एक डायलॉग भी बहुत अच्छा है जिसमें मैं कहता हूँ कि बाहुबली के बिना कटप्पा अधूरा है भांजे, लोगों को बहुत पसंद आया। तो आप सब देखते रहिए 10:30 बजे मंडे टू फ्राइडे रोज़ टेलीकास्ट हो रहा है जी टी वी पर, जिस तरह आप लोगों ने मुझे भोजपुरी में प्यार दिया है वैसे ही आप सब ये मेरे को वहाँ भी प्यार दे ताकि मैं अच्छे से काम करता रहूँ। और मैं रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट जो कि कन्यादान अभियान चला रहा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और साथ में मेरी टीम मेरे साथ में है, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं मुंबई थाना पाल सुषमा सोनी जी, मुंबई थाना पालघर की अध्यक्ष भक्ति सचदेव जी, और कार्याध्यक्ष कोमल अग्रवाल जी इस समय यहाँ पे हैं। हम जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट गीता यादव जी के इस कर्मवीर अवार्ड में उनके बुलावे पे आए हुए हैं, और उन्होंने
इस अवार्ड के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे 5 साल से चल रहे कन्यादान अभियान, जहां हम गरीब बेटियों का विवाह निःशुल्क तरीके से करते हैं, सर्व जाति, किसी जाति की पर्टिकुलर समाज को लेकर नहीं चलते हैं, सभी जाति समाज के लोगों को लेकर हम चलते हैं इस कार्यक्रम को, जिसके लिए आज जगत जननी मानव सेवा कल्याण गीता जी के माध्यम से हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया गया। और हम इस सम्मान से कहीं ना कहीं हमारा हौसला बढ़ा है। हम जो 5,000 कन्याओं का कन्यादान करने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, उस संकल्प में हमारा हौसला बढ़ेगा इस सम्मान से। और गीता जी ने जो ये कार्यक्रम यहाँ पे इतने बढ़िया से और अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पर बुला करके, और समाज के लिए कोरोना काल में जिन्होंने जो कार्य किया है, उन सभी को बुला करके जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे सम्मानित किया, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि समाज में संस्थाएँ जो होती हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि समाज के ऐसे लोगों को आगे ला करके उन्हें सम्मानित करना, उनको उत्साहित करना, वही काम गीता यादव जी ने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गीता यादव जी को और उनकी पूरी टीम को। और ये जो कन्यादान कार्यक्रम हम लोग पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, इस बार भी 6 फरवरी को हम 21 जोड़ियों का कन्यादान करने जा रहे हैं और हम सब मिलकर के काम करेंगे। और मैं देश के सभी लोगों से, सभी समाज सेवकों से भी कहूँगा कि इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें, हमसे जुड़े कन्यादान परिवार से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं का विवाह निःशुल्क तरीके से कर सकें। नमस्कार, मैसेल्फ घनश्याम कुड़म्बे, एम्पावर ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड और एम्पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जगत जननी संस्था के माध्यम से ये अवार्ड मिला। ये जो अवार्ड जो है कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये अवार्ड दिया गया। ये संस्था के लिए ये 18वां अवार्ड है। मैं खुश नसीब हूँ कि आज सामने से लोग अवार्ड देते हैं, क्योंकि लास्ट 30 साल से ट्रेनिंग फील्ड से काफ़ी सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, लोगों को सोशल वर्क में भी काफ़ी सारा हेल्प किया। ये कोविड के पीरियड में भी काफ़ी सारा मेरे संस्था के माध्यम से, मेरे ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी सारा हेल्प लोगों को किया, उसका ये नतीजा है आज 18वां अवार्ड एम्पावर सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट को मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को, धन्यवाद देता हूँ जगत जननी ट्रस्ट को कि उन्होंने मेरा नाम, मेरे बारे में सोचा और सामने से इनविटेशन दिया और आज आपके सामने ये अवार्ड दिया। एम्पावर सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट भी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता ही है और उसके साथ साथ अवार्ड फंक्शन भी होता है। और आने वाले 22 जनवरी 2022 में हॉलीडे इन में एम्पावर सोशल का एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए और काफ़ी सारे सोशल एस्पेक्ट के लिए ये हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये साल में वैल्यू एडिशन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन किया है और एक कोलैबोरेशन के माध्यम से आज एम्पावर आने वाले पीरियड में लोगों को डॉक्टरेट, जिन्होंने अच्छा काम किया, जीरो टू हीरो बने हैं, ऐसे लोगों को डॉक्टरेट उपाधि दे के हम लोग नवाजे जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप भी आ जाइए, आपको मैं वेलकम करता हूँ कि 22 जनवरी 2022 में ये प्रोग्राम जो है ज़रूर सुबह 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अटेंड करो। उसका नॉमिनेशन अभी भी चालू है तो आप इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इसी के साथ मेरा ये 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से ये जो प्रोग्राम हुआ, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये जो प्रोग्राम्स है, इवेंट्स है, ये जो जो अपने अपने फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं, जैसा कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, फिल्म एक्टर्स है, सोशल वर्क्स है, मैजिस्ट्रेट है, जिसमें भी लोग अपने अपने फील्ड में जो काम करते हैं, ये उनको एक बढ़ावा देने का काम है कि किनको भी एक अवार्ड मिलता है। अवार्ड मिलना ये अपने उनके लिए एक बढ़ावा है कि बहुत अच्छा मैं काम करता हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, और वो मिलने के बाद एक और काम करने की अपनी इच्छा बढ़ जाती है। तो मानव सेवा की ओर से जो मुझे बुलाया गया, थैंक यू सो मच गीता जी, उनका फर्स्ट प्रोग्राम है,
वेरी गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा हुआ, हमें बुलाया, थैंक यू सो मच।